एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बड़ी खबर मिल रही है इस वक्त रायपुर से, जहां आज से जन चौपाल का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जन चौपाल का आयोजन करेंगे। आपको बता दें सीएम बघेल आम नागरिकों से मुलाकात करेंगे। आम लोगों ने अपनी समस्या यहां पर बताई है। साथ ही हर बुधवार 11 बजे से अब जन चौपाल रायपुर में लगा करेगी। उस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जन चौपाल की है। आज से जन चौपाल का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री निवास में जन चौपाल शुरू हो गई है। सीएम बघेल आम नागरिकों से मुलाकात कर रहे हैं। आम लोगों ने अपनी मुख्यमंत्री को समस्याएं बताई हैं और ये ऐलान कर दिया गया है कि आज से यानी कि 3 जुलाई से हर बुधवार 11 बजे से जन चौपाल का आयोजन किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रायपुर से हमारे संवाददाता रूपेश गुप्ता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रूपेश, सीएम बघेल ने आज से जन सुनवाई का ऐलान कर दिया है और 11 बजे से जन सुनवाई शुरू भी हो गई है, क्या कुछ जानकारी है रूपेश? जन सुनवाई नहीं है, ये जन चौपाल नाम का कार्यक्रम है, भेंट मुलाकात। इसमें जो अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं वो पहुंचेंगे, उनसे बातचीत की जाएगी और उनकी समस्याओं को सुना जाएगा और उन समस्याओं को त्वरित गति से उसका निराकरण किया जाएगा। ये हालांकि व्यवस्था डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में भी थी, अजीत जोगी के कार्यकाल में भी थी, लेकिन इस बार थोड़ा सा हाईटेक तरीके से हो रहा है। हाईटेक तरीका ये है कि तत्काल इसको एक सॉफ्टवेयर के जरिए आवेदन को लिया जा रहा है और आवेदन ले करके सीधे सीधे उसको जो भी उसका अपडेट होगा समय समय से वो दे दिया जाएगा। तो आज से सीएम बघेल ने जन चौपाल का आयोजन कर दिया है रूपेश। मुख्यमंत्री इस दौरान आम नागरिकों से भी मिले हैं। आम नागरिकों ने किस तरह की समस्याएं उनके सामने रखी? देखिए, बहुत तरह की समस्याएं हैं और इन समस्याओं में कुछ समस्याएं व्यक्तिगत हैं, कुछ सामुदायिक हैं, कुछ गांव की समस्याएं हैं, विकास को लेकर के समस्याएं हैं, नौकरी से ट्रांसफर, सारी चीजों की समस्याएं हैं और इन समस्याओं का निराकरण करने के लिए पूरा प्रशासनिक अमला जो सीएम सचिवालय में खास व्यवस्था की गई है और इस खास व्यवस्था के तहत जो भी सचिवालय में आवेदन आएंगे उन आवेदनों का निराकरण किया जाएगा एक सॉफ्टवेयर के जरिए। हमारे साथ डीबीआर तारण प्रकाश सिन्हा जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, ये सॉफ्टवेयर के जरिए किस तरीके से अपडेट किया जाएगा जो आवेदन होंगे? आम जन की समस्याओं के निराकरण, उनको सूचना, इसके साथ साथ जो मॉनिटरिंग, इसके लिए हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया है और इसके अंतर्गत जैसे ही पंजीयन होगा, पंजीयन के पश्चात एसएमएस अलर्ट जाएगा, निराकरण के समय भी अलर्ट जाएगा एसएमएस का और लिखित में भी सूचना जाएगी। इसके साथ साथ हमने इंटरनल मैकेनिज्म ऐसा डेवलप किया है कि 15 दिन बाद हमको येलो अलर्ट और 30 दिन बाद रेड अलर्ट हमको अपने सिस्टम में दिखेगा। तो पुख्ता व्यवस्था की गई है कि आम जनता को सूचना भी समय से मिले, मोबाइल से हार्ड कॉपी में, लिखित में, और हमारे पास भी उसका मॉनिटरिंग ठीक से आए। ठीक है, तो ये थे डीबीआर साहब जो बता रहे थे कि किस तरीके से पूरी व्यवस्था की गई है, किस तरीके से आवेदन समय सीमा में उसको निराकृत किया जाए, इसका इंतजाम किया जा रहा है सॉफ्टवेयर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रूपेश जानकारी साझा करने के लिए।